अव्यवस्थाओं के बीच नव वर्ष का शुभारंभ हुआ। 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने ज्योतिर्लिंग भगवान के दर्शन किए। प्रशासनिक अव्यवस्थाओं की भी पोल खुली। अव्यवस्थाओं के बीच ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में नव वर्ष में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुल गई। वहीं जोखिम भरी जगहों पर लोग मोबाइल से सेल्फी लेते नजर आए। ओंकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी में नए वर्ष के शुभारंभ अवसर पर 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ममलेश्वर के दर्शन किए। वहीं नव वर्ष के शुभारंभ पर पिकनिक मनाने आए युवक युवती नर्मदा किनारे खतरनाक चट्टानों पर बैठकर सेल्फी लेते हुए देखे गए। ज्योतिर्लिंग मंदिर में क्षमता से अधिक श्रद्धालुओं का दबाव होने के कारण मंदिर प्रशासन की व्यवस्थाएं चरमराई। कोविड-19 के चलते आस्था भारी होने के कारण प्रदेश सहित अन्य राज्यों से श्रद्धालुओं ने परिवार सहित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन कर नया वर्ष मनाया। ओंकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट। वैसा सोच करके लोग आज नव वर्ष में ओंकारेश्वर में बाबा के दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो यकीनन ये तो कहना सही है कि हाँ, वाकई आस्था भारी है कोरोना के ऊपर। श्री ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा नव वर्ष के अवसर पर यात्रियों को सुगमता से दर्शन हो, उसके लिए प्रत्येक स्थान पर कर्मचारियों को तैनात किया गया है एवं नवीन जिला पुल से जो श्रद्धालु आएगा उसकी अलग व्यवस्था है एवं पुराने जिला पुल से जो श्रद्धालु आएगा उसके लिए अलग व्यवस्था है और यात्रियों को अधिक से अधिक अच्छे दर्शन हो उसके पूर्ण इंतजाम किए गए हैं और शाम तक और काफ़ी दर्शनार्थी आने की संभावना है और सुचारू रूप से दर्शन कराए जाए। नया वर्ष में करीबन यहाँ पे 1 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। हमने मंदिर की तरफ से दोनों तरफ से अलग अलग रास्ते दुर्गा पुल से आने वाले श्रद्धालुओं को महाकाल से आ रहे हैं और पुराने पुल से आने वालों को नंदी हाल से आ रहे हैं। हर 2-2 मिनट में श्रद्धालुओं को छुपा जा रहा है जिससे शांतिपूर्ण दर्शन किया जा रहा है।